आर्ट एंड कल्चर आज के लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के वरिष्ठ कलाकार कंचन चंद्र मैम से। तो मैम का जन्म 1957 में हुआ दिल्ली में। मैम ने अपनी कला शिक्षा दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट व जर्मनी से प्राप्त की। मैम देश विदेश में कई सैकड़ों प्रदर्शनियां कर चुकी हैं तथा अवार्ड से सम्मानित हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मैम से। Hi. हेलो मैम, हाउ आर यू? फाउंडेशन फाइन, आई एम फाइन. थैंक ऑफ आर्ट एंड कल्चर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आज के लाइव सेशन में। यू. थैंक यू मुझे बुलाने के लिए. ये एक अच्छा मौका है आप सबसे बात करने का. थैंक यू सो मच मैम। मैम तो हम शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। तो आपको कैसे आर्ट की तरफ झुकाव हुआ? आपने अपने शुरुआत कैसे की? आपको किसने प्रेरित किया? मैं बचपन से मतलब आर्ट देखती आई हूँ, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो डिप्लोमेट थे. वो अलग अलग कंट्रीज में जाते थे, तो वो कल्चरल साइड में थे. तो वो उनको ज़्यादातर इनविटेशंस आती थी कॉन्सर्ट्स में, म्यूजियम्स में. उनको तो इंटरेस्ट था नहीं, बट मुझे घसीट के ले जाते थे, तो मुझे इंटरेस्ट होने लगा. तो मैंने कुछ आर्ट क्लासेस ज्वाइन की. फिर दिल्ली में एक स्कूल में मैंने ज्वाइन किया, मार्टर डे में. वहाँ पे मैं इंग्लिश ऑनर्स करना चाहती थी, लेकिन उनमें से एक जो टीचर थी वो मुझे लाइक नहीं करती थी और उसने मुझे फेल कर दिया. तो इन द मीन टाइम मैं आर्ट में भी बहुत इंटरेस्टेड थी, और मुझे वहाँ पे एक टीचर होती थी, उसने मेरी बहुत प्रशंसा की कि मैं आर्ट में अच्छी हूँ. तो जब मुझे फेल कर दिया, तो मेरे फादर उस टाइम बर्लिन में थे पोस्टेड. तो मैंने उनको कहा आप वहाँ जाके देखिए कोई कोर्स है, तो बस उनको मैंने ज्वाइन किया. और उसके बाद ऑफ कोर्स दैट वाज इन 1976, 1974, तब से ये शुरुआत हुई है. उस दौरान के बारे में हमें कुछ बताएंगे? वहाँ पे स्टडीज कैसी थी आपकी और कैसे कैसा आर्ट था उस टाइम पे वहाँ पे? बर्लिन में तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक, और दे वो फिगर ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर बहुत महत्व देते हैं, जो हमारे कॉलेजेस में नहीं देते थे. तो मैं जब वहाँ गई थी एक साल, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जर्मन सीखो. बहुत मैं बहुत छोटी थी, 16-17 साल की थी. तो मैंने वो जर्मन लैंग्वेज एक साल सीखी और साथ में गेस्ट स्टूडेंट रही. तो जब मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे मतलब मैं वन ऑफ द लोएस्ट में होती थी ड्राइंग्स में. और उसके बाद जब मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट ज्वाइन किया, तो मैं टॉप में आ गई. तो आप समझ सकते हैं कि वो लेवल क्या था, कि वहाँ की मैं लोएस्ट, यहाँ की मैं टॉपर हो गई. तो एक बहुत कुछ मैंने वहाँ पे सीखा, बहुत कुछ चैलेंजेस भी थे. फिर उसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट यहाँ ज्वाइन किया, और उसके दौरान 3 साल के बाद मेरे फादर यहाँ आ गए. 3 साल के बाद उनकी दोबारा से पोस्टिंग हुई सांतियागो चिली में. तो उस टाइम पे मैं सबसे छोटी थी घर में, तो उन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया और कहा कि तुम हमारे पास आओ. तो मैं एक साल उनके पास गई कॉलेज ऑफ आर्ट के कोर्स छोड़ के, और वहां जाके मैंने प्रिंट मेकिंग पर जोर दिया. प्रिंट मेकिंग सीखा एक साल गेस्ट स्टूडेंट अगेन. तो जो 5 साल का सफर होता था उन दिनों, वो 7 साल में पूरा हुआ. जी, आपने प्रिंट मेकिंग से शुरुआत की, फिर आप पेंटिंग में आए, फिर आपने मिक्स मीडिया भी ट्राई किया, तो समय के साथ बहुत परिवर्तन आया, ये क्यों और कैसे? देखिए प्रिंट मेकिंग मैंने ज्वाइन तो एज अ पेंटिंग में किया था. तो उन दिनों प्रिंट मेकिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, एक सब्सिडरी सब्जेक्ट होता था. तो मैंने प्रिंट मेकिंग ज्वाइन किया, और उन्हीं दिनों एज अ टीचर लेक्चरर ज्वाइन किया अनुपम सूद ने. तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीचर थी, बहुत इन्फ्लुएंशियल थी. तो उनके गाइडेंस के अंदर नीचे जब मैंने सीखा, तो मुझे प्रिंट मेकिंग की तरफ एक झुकाव हो गया. तो उसी दौरान जब मुझे सांतियागो में मौका मिला, एक साल जाके मैंने वहाँ ड्राई पॉइंट और एचिंग सीखी. तो ऐसा होता है कि जब मैं निकल गई कॉलेज ऑफ आर्ट से, तो उसके बाद घर में तो एक छोटा सा कमरा था, उसमें पेंटिंग हो नहीं पाती थी, और मैं गड़ी स्टूडियोज के पास रहती थी.
तो गढ़ी स्टूडियोज ललित कला के स्टूडियोज हैं, वहां पे प्रिंट मेकिंग काफी जोर शोर से चल रहा था। तो मैं वहां जाती थी, सुबह 9 बजे ले जाती थी लंच, शाम का नाश्ता, और वहां जाके फिर पूरा दिन लगाती थी। तो प्रिंट मेकिंग में बिल्कुल ही मैं आई वॉज टोटली इन्वॉल्व इन दैट। उसके बाद फिर जब मेरी शादी हो गई और मेरे को फ्रांस में स्कॉलरशिप मिला, फेलोशिप मिला जाने का, शादी फ्रांस में हुई थी, तो जब वापस आए तो फिर एक छोटी सी बरसाती में रहना पड़ा, तो वहाँ पे भी पेंटिंग नहीं हो पाई, प्रिंट मेकिंग ही चली। तो जब मुझे जॉब मिली और जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उस टाइम पे जॉब, घर चलाना और बच्चे को पालना और फिर गड़ी स्टूडियोज जाना मुमकिन नहीं था, तो इसलिए फिर मैं पेंटिंग की तरफ मेरा शुरू हो गया ये जर्नी। तो प्रिंट मेकिंग करती थी लेकिन थोड़ा कम हो गया था, तो पेंटिंग की तरफ रहा। और मिक्स मीडिया जो है वो मेरा शुरुआत से थोड़ा थोड़ा एक लाइकिंग थी, एक झुकाव था उसकी तरफ मैं रहती थी, लेकिन पिछले आप समझ लीजिए 15 15 साल से मैं मिक्स मीडिया में बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई। तो अभी फिलहाल अगर आप मुझे कहें कि आप क्या हो, तो मैं यही कहूंगी मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट को स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप पेंटिंग ही है तो पेंटिंग ही करो या स्कल्पचर नहीं कर सकते हो, तो आर्टिस्ट का मूड होता है। आप किसी भी आर्टिस्ट हिस्ट्री में देख लीजिए, किसी भी आर्टिस्ट का, कि अगर आप पिकासो को लेते हैं तो उसने स्कल्पचर भी किया है, उसने मिक्स मीडिया भी किया है, असेंबलाज भी किया है। आप किसी और सूजा को देख लीजिए, उन्होंने तो मैगजीन्स के ऊपर भी काम किया हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ही एक ही माध्यम के ऊपर आप जोर दें। वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द एक्सप्रेशन, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मीडियम तो सिर्फ एक माध्यम है, एक वेहिकल है। तो इसलिए मैं आजकल मिक्स मीडिया भी करती हूँ, पेंटिंग भी करती हूँ, प्रिंट मेकिंग भी करती हूँ, वीडियो आर्ट में भी आ गई हूँ, इंस्टॉलेशन भी है। तो मन जो मन करता है वो करती है, सो आई गो विद द फ्लो। आपने कई सीरीज में काम किया है, देवी सीरीज, हॉलीवुड, बॉलीवुड, इस बारे पे आप कुछ बताइए। और अभी आप क्या कर रही हैं, अभी कौन सी देखिए सीरीज में हॉलीवुड काम कर रही बॉलीवुड तो ऐसा है कि पहले मैं शुरू करती हूँ टॉर्सो से, कि जी? जब मैंने शुरुआत की थी 1970s में 80s में, तो तब मेरा आई वाज मोर कंसंट्रेटिंग ऑन वुमेन इश्यूज, औरतों के ऊपर मैं ज्यादा, बिकॉज मेरे आसपास जो मैं देखती थी, चाहे वो मेड हो चाहे वो घर के लोग हों, तो जो उन पे अत्याचार होता था, अट्रॉसिटीज होती थी, उसका मुझे अफेक्ट पड़ता था। लेकिन मैं कभी भी सड़क पे जाके नारे नहीं लगाती थी, मुझे लगता था एज एन आर्टिस्ट मैं वो जो भावनाएं हैं, जो जो अंदर भड़ास है, वो मैं इसमें निकाल सकती हूँ, आर्ट में निकाल सकती हूँ। तो वो मैंने शुरू किया, और फिर उसके बाद 97 में मेरा एक ट्रिप लगा था यूएसए में, वहाँ मैंने एक शो देखा था रॉबर्ट रोशनबर्ग का। टॉर्सो से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन है भी, क्योंकि वो शो उनका रेट्रोस्पेक्टिव देखने के बाद गुगनहाइम में देखा था, मैंने एक टॉर्सो सीरीज शुरू की। क्योंकि टॉर्सो में इसलिए शुरू की बिकॉज ज़्यादातर फीमेल टॉर्सोज ही हैं, आई डोंट वॉन्ट टू आइडेंटिफाई हर, मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ कि वो जिसको मैं बना रही हूँ आप है, मैं हूँ या आसपास के लोग हैं, वो एक एक औरत है, एक फीमेल फॉर्म है। और अगर आप इंडियन स्कल्पचर्स में देखिए, खजुराहो जाओ, बेलूर हसन, कहीं भी जाओ, तो आप देखेंगे कि इंडियन स्कल्पचर में जो लावण्य है, जो त्रिभंगा का एक ब्यूटी है, वो एक फीमेल फिगर में ही है। तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा महत्व दिया। और बाकी रही बात बॉलीवुड हॉलीवुड की, कि अगर मैं एक पेंटर नहीं होती तो मेरी बहुत मनी इच्छा, दिली इच्छा थी कि मैं एक एक्ट्रेस होती। तो शायद वो जो मेरे अंदर एक भड़ास थी, तो वो मैं शायद इसमें निकालना शुरू किया। ये मैंने शुरू किया तकरीबन 12 13 साल पहले, और काफी सक्सेसफुल रही वो सीरीज। तो बॉलीवुड और ज्यादातर आप अगर देखेंगे वो काम, तो वो ट्रेजिक क्वींस हैं, लेजेंड्स लाइक ऑड्री हेपबर्न है, मीना कुमारी है, ये है। आपको किस चित्रकार का काम बहुत पसंद है? देखिए मैं पढ़ाती भी थी, तो इसलिए
ये स्पेसिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन टाइम के साथ बहुत लोग आए. ऑफ कोर्स फ्रिडा कालो तो है ही, अमृता शेरगिल, मुझे डेविड हॉकनी पसंद है, क्रिस ओफिली, कैथे कॉलविट्स, रॉबर्ट रोशनबर्ग, बहुत है बहुत है. इंडियन आर्टिस्ट में अर्पिता सिंह है, जरीना है, इनके काम मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर करते हैं. और भी बहुत हैं, कुछ को नाम लेना बहुत मुश्किल है. किसी एक के बारे में आप स्पेसिफिकली बताना चाहेंगी? किस बारे में, कैसे? कोई भी एक आर्टिस्ट जो आपको बहुत पसंद है, उनकी कुछ चीजें जो आपको बहुत ज्यादा दिल को छूती हैं। अगर आप मेरे काम देखें तो 2007 या 6 से मैंने एक शुरू किया था सीरीज कॉल्ड फ्रिडा एंड मी. तो फ्रिडा कालो तो मुझे शुरू से पसंद थी, क्योंकि मैं चिली भी गई, वहां भी देखे, म्यूजियम्स में भी देखे. तो फ्रिडा कालो के ऊपर मैंने जो फिल्म थी वो देखी, जिसमें सलमा हायक एक्ट्रेस, जिन्होंने एक्ट किया था, तो वो मुझे काफी छू गई. उसके बाद मैंने उनको और स्टडी किया और फिर मैंने अपने आप को उनसे रिलेट किया. तो अगर आप वो कुछ इमेजेस देखें, अभी दिखाने लायक नहीं है, कब आप गूगल सर्च कर सकते हैं, तो उसमें मैं ज्यादातर फ्रिडा का दिखाती हूँ और मेरा छोटा सा एक उनके यहाँ पे या उल्टा दिखा देती हूँ. इट्स बेसिकली आई एम अ ड्रॉप इन द ओशन कंपेयर टू फ्रिडा कालो. बट मुझे वो एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, एज अ वुमेन आर्टिस्ट बहुत ही इम्प्रेस करती हैं. तो मैं उनके अभी अभी भी मेरे काम में अगर आप देखोगे तो फ्रिडा कालो आती है या अमृता शेरगिल, ये दो मेरे साथ हमेशा रहती हैं. अभी भी एक सीरीज मेरा चल रहा है जिसमें मैं करती रहती हूँ. कलाकार की रचनात्मकता में घटनाओं का क्या असर होता है? कलाकारों की थोड़ी शुद्ध हिंदी है रचनात्मकता क्रिएटिविटी. या कैन से आर्टवर्क पे क्या असर करती है? घटनाएं कलाकार के जीवन में, कला के कलाकृति पे क्या असर करती है, अच्छा देखो, ऐसा असर है करती है? कि पहले बात तो ये है कि कला क्या है, ये मैं इंग्लिश में बोलूंगी, आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. आप चाहो तो रेनेसांस पीरियड देख लीजिए, उस टाइम पे कला ही कुछ और थी. फिर उसके बाद इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म आया, तो वो कला ही बिल्कुल ही अलग थी. तो अब जैसे कई बार लोग मेरे जो पुराने काम देखते हैं 40 साल पहले के, वो मेरी एचिंग्स जो थी बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट थी, मोनोक्रोम थी, सैड थी, रोमांटिक थी. और अभी जब मेरे काम आप देखोगे तो वो रंगों से भरे हुए, इट्स लाइक अ बम्बार्डिंग ऑफ कलर, एंड इट्स लाउड, इट्स फन, इट्स विम्सिकल. तो कई बार मुझे लोग कहते हैं कि तुम वो वाली सीरीज क्यों नहीं बनाती हो. जब 40 साल पहले की कंचन वो रही ही नहीं, जिंदगी की मार पड़ी, धक्के पड़े, बहुत कुछ हुआ, तो एज अ पर्सनैलिटी आप में बहुत बड़ा चेंज आया है, तो वो ही कला में भी आएगा. तो बेसिकली आपके आसपास जो होता है, कलाकार एक बहुत सेंसिटिव व्यक्ति है, इंसान है, तो इस चीज को वो ज्यादा फील करता है. जैसे अभी आजकल चारों तरफ कोरोना का चल रहा है, क्योंकि सबको अफेक्ट कर रहा है. तो बेसिकली इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी कि आप, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप को क्या चीज. अब ये नहीं कि हर आदमी को कोरोना छू दे, मुझे छू दिया, आई मीन इट हैज, बट मैंने कोरोना पे इतने सारे अभी नहीं किए हैं काम. सो मैम, वैसे तो वुमेन्स मल्टीटास्किंग होती हैं, आपने भी अपने जीवन में ये करके दिखाया, एंड ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपने अपनी पर्सनल लाइफ प्लस आर्ट लाइफ कैसे मैनेज की? कठिन तो था, कठिन था, क्योंकि एक समय था जब मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग थे, उनको देखना, फुल टाइम जॉब करना और बच्चे को पालना, बच्चे को बड़ा करना अकेले, और अगर मैरिज आपकी बिल्कुल ही उसमें क्रैक पड़ गए हो, वो बिल्कुल ही ठप है, तो सब कुछ अकेले करना. तो एक्चुअली वे पिछले, आजकल मैं कई बार बैठ के सोचती हूँ कि पिछले 20 साल बीते कैसे, मुझे पता ही नहीं चला, बिकॉज टाइम ही नहीं होता था कि आपके बारे में, अपने बारे में सोचना.
तो बेसिकली आई थिंक वुमेन इज अ वेरी गुड मल्टीटास्कर, एंड आपको सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ टाइम होता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर पाते हो. स्लॉट्स रखने पड़ते हैं. अभी भी जैसे देखो कोरोना है, घर पे हेल्प नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कुकिंग सब कुछ है, लेकिन आर्ट नहीं छूट रहा है, आर्ट चल रहा है. हाँ, अगर समर में ज्यादातर मैं 6-7 घंटे करती हूँ, अब वो 4 घंटे हो रहे हैं. तो आई थिंक बेसिकली शायद वहीं से औरतों को ज्यादा एक एनर्जी आती है. वन गेट्स मोर एनर्जी फ्रॉम ऑल दैट, इट चैनलाइजेस इनटू इनटू माय आर्ट. कोलाज सर आपके काम में आया, आपने कैसे शुरुआत की? जैसे मैंने बोला कि मुझे मिक्स मीडिया बहुत साल पहले से शुरू हो गया था, तकरीबन 25 साल पहले. थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे कभी कभी मैं कैनवस के ऊपर वो जो टैजोस आते थे ना, बच्चे बेटे के वो चिप्स में आते थे, वो लगाना शुरू कर दिया. रैपिंग पेपर, सिल्वर लीफ, तो धीरे धीरे करके काफी शुरू हो गया था, हो गए 25 साल के आसपास. लेकिन अभी मेरे को, मुझे जो मेरी लाइफ रही है, अभी मेरे को वो मिक्स मीडिया करने में, मैं उसको कोलाज नहीं कह के मिक्स मीडिया ज्यादा कहूंगी, वो मिक्स मीडिया करने में मुझे बहुत ही एक मेडिटेटिव फीलिंग आती है, बहुत ही थेरेपिक लगता है. ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई भी टेंशन होती है, तो अगर आप काम में जुड़ जाते हो एज एन आर्टिस्ट, तो आई थिंक आप सब कुछ भूल जाते हो. आपको तब ना योगा चाहिए, ना आपको कुछ और चाहिए, आपका वो ही मेडिटेटिव है. एंड ये भी मैं आपको बता दूं कि सोर्सिंग जो है, मैं सारी अकेले करती हूँ. मतलब मेरे पास एक भी हेल्पर नहीं है, एक भी मुंडू नहीं है. बाजार से सामान खरीदना, और अगर आपने मेरे काम देखे हो, लेसेस, सीक्वेंस और उसकी सबकी सोर्सिंग मैं खुद करती हूँ. और जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि मल्टीटास्किंग, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो ज़्यादातर मैं मटेरियल तब खरीदती हूँ. जैसे मैं एक छोटे गांव जगह में चली गई, और वहां पे अगर मुझे किसी ने पूछा कि आप मैडम आप शॉपिंग करने जाओगी, मैं कहा हाँ जरूर मैडम, ये मॉल इधर है. मैंने कहा मुझे मॉल तो दिखाओ मत, मुझे लोकल मार्केट दिखाइए. तो लोकल मार्केट में जो एक एक खुशी है, एक जो फीलिंग आती है कि आपको एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, चलते चलते आपको एक सडनली एक चीज दिख जाएगी, ओए वाह, तो मुझे लगता है इसको उठा लो. तो जब मैं थैले भर के वापस होटल में आती हूँ, तो उनको लगता है कि वो देखते हैं मुझे कि इसको लोकल मार्केट में इतना सामान क्या मिल गया. तो जैसे स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स तो दिल्ली में मिलते ही नहीं, बड़े शहरों में मिलते नहीं. तो जब भी मैं छोटे शहर में जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं एक स्टेशनरी शॉप में जाके पूछती हूँ, भैया स्टिकर है? वो 5 रुपए वाले स्टिकर. सो बेसिकली उसका एक अपना मजा होता है. एंड आई द जर्नी कि आप उसको जब सोर्सिंग भी कर रहे हो, उसमें भी एक कला है, उसमें भी एक मजा है, वो बहुत मजा आता है. जी, आपके चित्रों में फिगर्स हैं जो कर्नाटका की झलक दिखाते हैं, भूटा फिगर्स की झलक दिखाते हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली वो भूत भूत आराधना सीरीज अर्ली 80s की है, मिड 80s की है. कि जैसे मैंने आपको बोला कि जब शादी करके वापस आए, तो एक बरसाती में रह रही थी, तो ऑलरेडी मैरिजेस में क्रैक्स हो गए थे, तो मैं अकेले ही घूमती थी. तो मुझे किसी ने बोला कि भैया क्राफ्ट म्यूजियम जाइए, जो प्रगति मैदान में है, और वहाँ एक बहुत अच्छा एग्जीबिशन चल रहा है. लास्ट डे रह गया था, मैं गई, भागी, देखा. और जैसे ही मैं उस एग्जीबिशन में अंदर गई, तो उसका जो म्यूजिक चल रहा था, उसका जो एटमोसफियर था, वो मुझे एक किस्म से पूरा हॉन्ट कर गया. मुझे, आई वॉज टोटली हिप्नोटाइज एंड मेस्मराइज बाय द थिंग. तो वापस आई घर, कुछ नहीं सोचा, अगले दिन दोबारा से कैमरा लेके गई और फोटोग्राफ्स ली उसकी. उन दिनों तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स निकलती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स निकाली. फिर मैंने गड़ी स्टूडियोज में जाके उनको लिथोग्राफ, लिथोस्टोन के ऊपर सुपर इम्पोज किया, और उसके बाद वो सीरीज शुरू हुई. तो बेसिकली मुझे हमेशा वुडन रगेड चीजें पसंद है, मुझे सॉफ्ट चीजें नहीं पसंद, चाहे वो, मैं वुड कट भी बहुत किए हैं. तो वो भूत आराधना सीरीज वो एक फेस था.
और जैसे आपने पहले भी पूछा कि मुझे लगता है एक आर्टिस्ट की जर्नी में, एक आर्टिस्ट की लाइफ में एवोल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इवॉल्व करना। अगर आप एक पेड़ बनाते हो, सारी उम्र वही पेड़ बनाते जो रहोगे, तो कुछ मज़ा नहीं है। आप कोई भी आर्टिस्ट उठा लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उनकी जर्नी में आप देखोगे कि फेजेस आए हैं। पिकासो के रेड पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड, रजा साहब के देख लीजिए, SH रजा के, पहले उन्होंने इतने सुंदर लैंडस्केप बनाए हैं, रियलिस्टिक काम किए हैं, उसके बाद उन्होंने 80s में वो बनाई माँ तू लौट के कब आएगी, उसके बाद वो टोटली मिनिमल हो गए। तो देखिए उनकी एक एवोल्यूशन था। तो इसी तरीके के हमारे फेजेस आते हैं। वो एक फेज था जहाँ पे मैंने भूत आराधना किया, फिर मैंने टॉर्सोस किया, बॉलीवुड हॉलीवुड किया, और अब मिक्स मीडिया कर रही हूँ। आप स्त्री शक्ति का बहुत प्रयोग करती हैं, इससे आप क्या संदेश देना चाहती हैं? इसको संदेश की जरूरत है क्या? क्योंकि स्त्री ही बहुत स्ट्रांग है, और हमारे देश में तो कितनी गॉडेसेस हैं जिसको आदमी औरत आदमी बच्चे सब उनको दे आर डिवोटेड टू देम। तो शी इज अ मल्टी टास्कर, शी इज स्ट्रांग, शी इज सेंसुअस, शी इज सेंसिटिव, शी इज एवरीथिंग। तो उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि इसलिए मैं उसको ये नहीं करके कि भाई उसको फेमिनिस्ट है, बिकॉज आई जस्ट फील स्ट्रांगली फॉर अ वुमेन, दैट इज वाई आई एम ऑलवेज वर्किंग विद दिस थिंग। एक नेचुरल चीज है। आप अपने दिल्ली कॉलेज के दिनों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंने दिल्ली कॉलेज में ज्वाइन किया था एज अ स्टूडेंट इन 76, और उन दिनों बहुत अच्छा टाइम था, प्रिंसिपल्स अच्छे थे, फिर टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, फिर आई वॉज द फेवरेट स्टूडेंट, सब टीचर्स मुझे लाइक करते थे, बहुत सीधी सादी भोली स्वीट सी लड़की होती थी, बोलती नहीं थी ज़्यादा, काम करती रहती, कम लगी रहती थी काम में। फिर उसके बाद 1990 में मैंने ज्वाइन किया एज अ कुलीग। तो मैंने ये ज्वाइन किया सोच के कि बहुत बड़ा मेरा ड्रीम था कि मैं इस कॉलेज को इंटरनेशनल लेवल पे लाना चाहूँगी, करना चाहूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरे टीचर्स थे वो धीरे धीरे करके रिटायर हो गए, तो जो नया लॉट आया था उन्होंने मेरे को वो ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक सिंगल औरत इतनी सक्सेसफुल हो रही है और इतनी स्ट्रांग है और इतनी वोकल है, और स्टूडेंट्स मुझे बहुत लाइक करते थे। तो बहुत सारे किस्से हुए जिसकी वजह से मैंने उस कॉलेज को छोड़ दिया विदाउट पेंशन। कोई भी इंसान अच्छी तगड़ी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी छोड़ता नहीं है विदाउट पेंशन, बट मैंने छोड़ दी क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। उसमें उसमें सब कुछ हो रहा था लेकिन आर्ट नहीं पढ़ाया जा रहा था। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप रहा है, जो आज भी कई बच्चे मतलब मेरे साथ दे आर इन टच विद मी, सो वी आर लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली। बट टीचिंग मेरे रग में इतनी है कि मैंने छोड़ने के बाद आई स्टार्टेड हेल्पिंग चिल्ड्रन टू प्रिपेयर द पोर्टफोलियोज। तो मेरा एक बच्चों के साथ, एक यंगर जनरेशन के साथ एक लिंक रहा है जो अभी भी है, अभी भी बहुत कम हो गया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये करना। जी, भारत की ऑडियंस, भारत की आर्ट ऑडियंस और विदेश की आर्ट ऑडियंस में क्या डिफरेंसेस आपने पाए? इंडियन आर्ट सीन की अगर आप बात करें, उसकी अगर आप बात करते हैं, तो इंडियन आर्ट सीन बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि मैं अक्सर जजिंग में जाती हूँ यंगस्टर्स से, जैसे आपको बोला आई एम इन टच विद देम, मुझे बुलाते रहते हैं लेक्चर्स के लिए वगैरह, तो जब मैं देखती हूँ तो इतना अच्छा काम है। बट सिर्फ ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल लेवल पे वो लेवल नहीं आया है अभी, कॉलेजेस में फिर भी थोड़ा है, बट जो उसकी ऑडियंस है वो बहुत कम है। ज्यादातर आपको एक कैलेंडर आर्ट ही लोग जनता पसंद करेगी, जबकि वेस्टर्न ऑडियंस में ये फर्क है कि उनको बचपन से म्यूजियम्स में ले जाया जाता है। कोई भी अच्छी एग्जीबिशन होगी तो आप देखें कि बाहर लंबे लंबे क्यूज लगे हैं,
मीलों तक क्यूज लगे, लेकिन यहाँ एक अच्छी एग्जीबिशन होती है तो बंदा नहीं आता है, कौवे बोलते हैं कई बार कई बार। अब तो काफी फर्क हो गया है, काफी जगह पे कोशिश की जा रही है कि गैलरीज एनजीओ में वगैरह कोशिश कर रहे हैं कि ऑडियंस को बुलाया जाए, लेकिन हमारा जो रूट लेवल है स्कूल लेवल पे जो आर्ट टीचर्स हैं ज्यादातर, क्योंकि वो मेरे ही कई स्टूडेंट्स हैं, तो जब मुझे जजिंग के, अब तो मैंने जाना बंद कर दिया, लेकिन जब जजिंग के लिए कई बार मैं स्कूल पे जाती थी तो मुझे बहुत दुख होता था और दर्द होता था कि जब टीचर्स को ही नहीं ज्यादा पता आर्ट के बारे में तो वो इम्पार्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स को। तो अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है, मतलब यहाँ तक कि प्रिंसिपल्स भी आर्ट टीचर्स को बहुत ही गंदा स्वभाव देते हैं, वो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस में डाल देंगे, उनको लगता है भी आर्ट टीचर है ऐवी है। तो आई थिंक उसकी जो एक इम्पोर्टेंस है वो हमारी जनता में, हमारी ऑडियंस में अवेयरनेस लानी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, आपके इंस्टॉलेशंस के बारे में कुछ बताइए, और आप इंस्टॉलेशंस के बारे में क्या सोचती हैं? इंस्टॉलेशंस देखो, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ बदलना चाहिए। आज इंस्टॉलेशंस का जमाना है, साइट स्पेसिफिक का जमाना है, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। इंडिया में हो रहा है, बहुत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, यंगस्टर्स भी कर रहे हैं, स्कूल लेवल में भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें एक जो एलिमेंट है ओरिजिनलिटी की बहुत कम है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं कॉपी कट पेस्ट में, कि आपने देखा कि वेस्ट में कुछ अच्छा है। आजकल तो कई आर्टिस्टों के पास पूरी टीम बैठी है जो सिर्फ ये सर्वे कर रही है कि क्या हो रहा है, तो वहां से वो कट कॉपी पेस्ट करके बना रहे हैं। इसको देख के मुझे दुख होता है, लेकिन लेकिन अच्छे भी हैं कि जो ओरिजिनल, मुझे लगता है कि इंस्टॉलेशन करना है तो ओरिजिनली करिए, और इंस्टॉलेशन का मीनिंग पहले समझ लीजिए, क्योंकि कई बार लोग चार पांच चीजें लगा के बोलते हैं इंस्टॉलेशन है। तो अगेन अगेन मैं बात को दोबारा लाऊंगी कि स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे ये जो है अवेयरनेस ज्यादा होनी चाहिए। और आज से 25 साल पहले जब मैंने एक पहला इंस्टॉलेशन कॉलेज ऑफ आर्ट में करवाया था, तो मुझे बहुत सारी गालियां पड़ी थी अपने कोलीग से, टीचर से, कि ये तुम क्या कर रही हो, ये बकवास है, ये अच्छा नहीं है। और उन दिनों भूपेन कक्कड़ जी आए थे देखने के लिए, उनको मैंने बुलाया था और उन्होंने आके बहुत प्रशंसा की थी। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो थे 25 साल पहले, 28 साल पहले, वो आज दे आर डूइंग वेल। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार कि कॉलेजेस में ही उनको अवेयरनेस नहीं है कि इंस्टॉलेशन क्या होता है, बट अदरवाइज जो यंगस्टर्स हैं आजकल अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग रियली वेल, दे आर वेरी स्मार्ट। हम लोग तो बोंदू और बुद्धू होते थे, हमें ज्यादा पता नहीं होता था इन चीजों, आजकल वो बहुत स्मार्ट है, उनको मालूम है कैसे करना है। तो बहुत बहुत सारी चीजें शुरू भी हुई हैं, अब वो इंस्टाग्राम फेसबुक में भी डालते रहते हैं, तो उनमें अवेयरनेस है, तो अच्छा काम भी बहुत हो रहा है। परफॉर्मेंस आर्ट का भी आपने नाम लिया, तो आप इंडिया में इसका क्या भविष्य देखती हैं? भविष्य बहुत अच्छा है, इंडियन आर्ट का भविष्य बहुत अच्छा है, इंस्टॉलेशन हो, साइट स्पेसिफिक हो, परफॉर्मेंस आर्ट हो, बहुत अच्छा है। लेकिन बार बार मैं दोहराती हूँ कि जेन्युइन होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अब कुछ अच्छे भी आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, यंगस्टर्स काफी कुछ कर रहे, लेकिन सिर्फ ये है कि एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड है कि ये होना ही चाहिए, लेकिन आपको तब करना चाहिए जब आपको, आर्टिस्ट को तभी करना चाहिए जब वो दिल से करे। अगर आप दिल से नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं, अगर गैलरी बोल रही है या कलेक्टर बोल रहा है करो तो वो बात बनेगी नहीं, वो बात आएगी नहीं। फ्यूचर तो बहुत आप अच्छा है अपना। कला को समाज से कैसे जोड़ते हैं, और कलाकृति क्या समाज को कुछ संदेश दे सकती है? इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, जब जब किसी दो विदेशों में प्रॉब्लम होती है तो हमेशा कल्चरल को पहले लाते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज इसके बीच में करो तो प्रेम बढ़ेगा। तो दैट मींस कि
इट इज इम्पॉर्टेंट, ये आर्ट कला कल्चर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आई थिंक सरकार को भी इसको बहुत सारा पॉसिबिलिटीज अब वो दे भी रहे हैं और भी देनी चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी देनी चाहिए। और मुझे सिर्फ यही बात का दुख होता है कि जो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं उनके पास फंडिंग है, पैसा है, फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो घूम फिर के वही 25-30 आर्टिस्ट को ही फिर पाते हैं। तो अगर वो थोड़ा अपने आप को विजन को वाइड करें और देखें कि इतना बढ़िया काम हो रहा है, यंगस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जब कई बार जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है देख के, और दुख ये होता है कि उन बेचारों के पास साधन नहीं है। तो जैसे आपने ये शुरू किया है, इसके द्वारा अगर ये और भी लोग ने शुरू कर रहे हैं कि यंगस्टर्स और जो रिमोटर एरियाज हैं वहां तक अगर पहुंचा जाए और इन बच्चों को सहाया जाए और इन बच्चों को मतलब पुश किया जाए कि अच्छा काम कर सके, तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी कैन ऑल डू एंड द गवर्नमेंट शुड डू, एंड दे ऑलरेडी डूइंग, दे ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑल्सो। थैंक यू मैम। आप आपके समकालीन जो कलाकार हैं कॉन्टेम्प्रेरी, आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, कोई एक स्पेसिफिक या कुछ क्या बोलूं उनके बारे में? उनका काम कर आपको जो बहुत पसंद हो? अच्छा कर रहे हैं, काफी लोग अच्छा कर रहे हैं। कईयों के काम मुझे बहुत भी पसंद है और कईयों के मुझे पता है कि क्योंकि मैं अवेयर हूँ, मेरा बेटा भी आर्टिस्ट है तो वो भी इस चीज को अवेयर है और वो भी काफी इंटरनेट देखता रहता है। और हमें कई बार मैं किसी का काम देखती हूँ तो मुझे लगता है ये तो ऑलरेडी वहां पे हो रहा है, तो अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक मेरे कंटेम्प्रेरीज दे आर डूइंग वेल, दे आर सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी अबाउट दैट, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ये देखती हूँ कि प्रिंट मेकिंग में यंगस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा मीडियम है जो ज्यादा सहाया नहीं गया, ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई गैलरीज ने, कलेक्टर्स ने, तो प्रिंट मेकिंग में बहुत ही सुंदर काम हो रहे हैं। तो अगर किसी तरीके से हम ये अवेयरनेस, आप लोग अवेयरनेस ला सके तो अच्छा है। मैम, क्या काम के पीछे कोई एक आइडिया होना चाहिए, कोई एक विषय होना जरूरी है? सब्जेक्ट इट्स हाउ डू यू से, इट्स पर्सन टू पर्सन। अब जैसे मैं अगर बनाती हूँ तो मैं ये सोच के नहीं बनाती हूँ कि भी क्या विषय है, अनलेस कि मुझे कोई कमीशन किया जाए। जैसे कोई एग्जीबिशन हो रही है और एक जैसे अभी फिलहाल एक एग्जीबिशन होने वाली है म्यूजियम ऑफ सेक्रेट आर्ट की, जो स्पिरिचुअलिटी पे है, तो क्योंकि मैं देवीज बनाती हूँ तो मेरे लिए वो बहुत इजी है बनाना। लेकिन सब्जेक्ट जो है बहुत सब्जेक्टिव है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, कि मैं ज्यादातर टाइटल्स पेंटिंग करने के बाद देती हूँ। मुझे पता है मैं क्या बना रही हूँ, मैं दिल से बनाती हूँ, आर्टिस्ट एक दिल से ही बनाना चाहिए। तो अगर एक इसको कहना बहुत मुश्किल है, यू नो, सो आई थिंक कुछ लोग हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट्स पे ही काम करते हैं, उसमें भी कोई हानि नहीं, वो भी सही है, जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, दैट्स फाइन। इट्स जस्ट दैट एन आर्टिस्ट शुड वर्क फ्रॉम द हार्ट, आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैम, आप जब अपना काम शुरुआत करती है तो आप क्या प्लान करती हैं, या आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है उस टाइम पे? या मैं हमेशा एक लेआउट बनाती हूँ, मैं एक लेआउट बनाती हूँ और अचानक जैसे ट्रैवलिंग में हमेशा एक छोटी डायरी मेरे पास रहती है, कुछ अच्छा लगा तो वहाँ से मैंने ले लिया। और मैं आर्टिस्टों का भी स्टडीज करती रहती हूँ, जैसे सीनियर आर्टिस्ट हैं या वर्ल्ड हिस्ट्री के आर्टिस्ट हैं, मुगल पेंटिंग्स हैं, तो जैसे कुछ चीज़ कहीं से पसंद आई तो मैं, आजकल तो बहुत इजी है कि आपने फोटो ली और एक
उसमें डाल दी, फोल्डर में डाल दी। ऑफकोर्स पहले तो होता था कि आप फोटो लो, उसको डेवलप कराओ, रखो। तो इस तरीके से इस तरीके से मतलब मैं शुरुआत करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि पेंटिंग करते करते मुझे पसंद नहीं आती, तो मैं सारी मिटा देती हूँ, फिर दोबारा करती हूँ। तो इट्स अ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अगर आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो अच्छा है। तो कई बार लेआउट के बगैर मैं नहीं बनाती हूँ, और स्केचिंग तो है ही, स्केचिंग मैं हमेशा करती रहती हूँ। जो मैं बार बार जब भी स्टूडेंट्स मिलते हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ कि भैया स्केचिंग मत छोड़ो, स्केचिंग करते रहो, आपको पता नहीं कब आपको जरूरत पड़ जाए। आप अपने एलिमेंट्स कैसे चुनती हैं कौन से एलिमेंट्स? काम के लिए? जो आप आई थिंक रैपिंग पेपर यूज करते हैं और वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर आपको मैं दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडियो में देखें तो डिब्बे और डिब्बे और डिब्बे पड़े हुए हैं। कई बार मैं चलते चलते मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है, चलते चलते मुझे कुछ सड़क पे चीज़ मिलती है, किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मुझे नैपकिन पसंद आ गया, और अगर मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मुझे गिफ्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे ये इंटरेस्ट होता है कि रैपिंग पेपर कैसा है। तो इस तरीके से मैंने चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। अभी तो मैं फोन भी नहीं घुमा सकती हूँ लेकिन आपको दिखाती हूँ, बट अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको मेरे वीडियोस में दिखाई दे जाएगा ये सब। तो ये मेरे पास पड़े हैं, मुझे 95% चीज़ें याद है कहाँ पे क्या है, 5% मैं भूल जाती हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो आई पिक अप अ लॉट ऑफ स्टफ, और फिर आके मैं उसको सेग्रेगेट करती हूँ किस में क्या रखना है। कुछ भी मैं उठा लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगे, जो मुझे लगता है कि हाँ, जैसे ही मैं कोई चीज उठाती हूँ तो मुझे लगता है हाँ, ये मैं इस यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। तो तकरीबन साथ साथ दिमाग चलता रहता है, अगर आप शॉपिंग भी कर रहे हो तब भी दिमाग चलता रहता है। तो दिस इज हाउ आई पिक अप माई स्टफ। और अभी आपने पता नहीं शायद देखे हैं कि मेरे जो ये मिक्स मीडियाज हैं ये 3 डायमेंशनल भी हो गए हैं। मैं स्कल्पचर फाइबर ग्लास में पहले बनाती हूँ, फिर उसके ऊपर चिपकाती हूँ, और उसके ऊपर फिर आए गो ऑन एडिंग। तो ये अब 3 डायमेंशनल भी होते जा रहे हैं। आप अपना कलर पैलेट कैसे चुनती हैं? आई एम अ कलरिस्ट, आई एम अ टोटल कलरिस्ट। ज्यादातर तो अगर आप देखेंगे या वो रेड्स और पिंक्स और मेजेंटाज हैं या वो ब्लूज हैं, बाकी कलर्स तो बहुत ही कम है। पहले जो मेरे कलर्स होते थे ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, ब्राउन्स होते थे, ब्लूज होते थे। अगर आप 1970s के काम देखो तो अभी ऐसा है, जब मेरी लाइफ कलरफुल थी ना तो मेरे काम ब्लैक एंड व्हाइट थे, जब मेरी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट होती गई तो मेरे पेंटिंग जो है वो कलरफुल होती गई। तो अभी कलर्स मेरे ज्यादातर यही पैलेट में हैं, रेड्स एंड ब्लूज, एंड आई लव कलर्स। मुझे लाउड कलर्स पसंद है, मुझे पहनने भी कलर्स वो पसंद है। मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि मैं अब लव 60 हो गई हूँ तो मैं नहीं पहन सकती हूँ। वाई नॉट, आई थिंक वन कैन वेयर एनीथिंग एट एनी टाइम, राइट? डेफिनेटली। ओके मैम, क्या ट्राइबल आर्ट आपको पसंद है और क्या वो आपको इन्फ्लुएंस करता है? हाँ, वो करता है और करता था भी बहुत। ट्राइबल आर्ट काफ़ी किया है। मैंने बोला कि जैसे पहले बताया था, मुझे रगेडनेस बहुत पसंद है, एंटिक्विटी पसंद है, ट्राइबल आर्ट पसंद है। जब मैं भोपाल गई थी तो भीमबेटका गई, फिर वो ट्राइबल आर्ट का म्यूजियम देखा, तो मैं फोटोग्राफ्स लेती रहती हूँ। कई बार उनकी एलिमेंट्स को मैं सुपर इम्पोज करती हूँ अपने काम में, कई बार मैं उनसे इंस्पायर हो जाती हूँ। और अपने बच्चों को भी मैं आई मेक श्योर कि जब वो पोर्टफोलियो बनाए तो एक ट्राइबल आर्ट या फोक आर्ट के ऊपर जरूर इंस्पायर होके एक काम करें। तो जी आई लव ट्राइबल आर्ट, आई लव फोक आर्ट, चाहे यही नहीं कि इंडिया का हो, बाहर का भी हो, जैसे जी ग्रीक आर्ट है या अदर कंट्रीज का है, मुझे सभी पसंद है उसका। आपको घूमना बहुत पसंद है। एज एन आर्टिस्ट आपको कौन सी वो जगह है जो बहुत ज्यादा पसंद आती है?
और इंस्पायर भी करती हैं। बहुत सारी है। मुझे मुझे इंडिया में भी घूमना पसंद है। मुझे एक्चुअली मुझे कई बार जैसे आर्ट कैंप में बुलाया जाता है तो मैं पहली चीज तो यही देखती हूँ कि जगह कौन सी है। अगर वो जगह मैंने नहीं देखी हुई तो मैं हाँ कर देती हूँ। मैं ये देखती भी नहीं हूँ क्या है क्या होने वाला है। आई जस्ट गो विद द प्लेस। क्योंकि ऐसे कई बार रिमोट एरियाज में जैसे एक उम्बेर गांव में कैंप हुआ था। जिंदगी भर कभी आप उम्बेर गांव नहीं जाएंगे, कभी सोचे के भी नहीं जाने का, लेकिन एक मौका मिला है तो जाया जाए। अभी पिछले साल एक असम और नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं गई तो एक कैंप हुआ कोकराझार। तो नाम सुनते ही मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हाँ पूरे इंडिया में घूमना पसंद है, इवन आउटसाइड बाहर भी जहाँ भी मिले मौका जैसे भी मिले मैं जाने को तैयार हो जाती हूँ। आई एम एवर रेडी फॉर ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग। आप आज के टीचर्स को क्या कहना चाहती हैं? उन्हें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? आज के स्टूडेंट्स को कैसी शिक्षा देना चाहिए? पहली बात तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इंडियन आर्ट क्या है और ग्लोबल आर्ट क्या है। उनको यही नहीं ज़्यादा पता। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको नहीं पता, बट मेजोरिटी को नहीं पता। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जब भी किसी स्कूल में जाती हूँ तो मैं कम से कम 6-7 नाम फेंक के आती हूँ कि ताकि वो गूगल सर्च तो करें। उनको पिकासो मोनालिसा के अलावा कुछ आता ही नहीं। तो टीचर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए। टीचर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल ये बात सही है कि आपने रियलिस्टिक काम करवा दिया, स्टिल लाइफ करवा दी, अच्छा है, लेकिन उसके आगे कॉम्पोजिशंस क्या है, ये है ये। आई थिंक मैंने कई बार सजेस्ट भी किया है कई जगह पे कि टीचर्स के लिए एक ओरिएंटेशन कोर्स होना चाहिए जहाँ पे उनको अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट टीचिंग मेथोलॉजीज, टेक्निकलिटीज, अवेयरनेस अबाउट आर्ट, आर्ट हिस्ट्री। तो इसकी कमी है बहुत, और बहुत दुख की बात है क्योंकि अगर जब उनको ही नहीं पता तो बच्चों को कैसे हम दोष दे पाएंगे। जी कुछ क्वेश्चंस हम लाइव से भी लेंगे। फिलोसफी और आर्ट का क्या संबंध है? क्या आर्ट में वो जरूरी है? हाँ और नहीं, अगेन डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कई काम इंटेलेक्चुअल होते हैं, टोटली इंटेलेक्चुअल होते हैं, कई काम इमोशनल होते हैं। अब ये तो आप नहीं कह सकते हो कि इंटेलेक्चुअल ज़्यादा अच्छा है और इमोशनल ज़्यादा अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। तो कई काम फिलोसफिकल होते हैं। सो बेसिकली इट्स वेरी पर्सनलाइज, इट्स वेरी दिस थिंग। यू कैन क्लब इट टुगेदर एंड यू कैन नॉट क्लब इट टुगेदर, बोथ वेज। क्या आपको लगता है इंस्टॉलेशन की कोई परंपरा है? अगर आप हिस्ट्री ऑफ आर्ट देखें तो हाँ शुरुआत कहाँ से हुई थी, मार्शल दुशाम से हुई थी। तो परंपरा है भी और नहीं भी है कि अगर सही तरीके से किया जाए तो उसको पहले तो उसको समझना चाहिए कि इंस्टॉलेशन है क्या, क्योंकि वो ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ा वो लोगों को ज्यादातर समझ में नहीं आता। वो इंस्टॉलेशन नाम के ये इंस्टॉलेशन है, ऐसे थोड़ा होता है। आप उसको समझिए तो सही, परखिए तो सही। मैम, तो आपकी इंस्टॉलेशन डेफिनेशन ओके बहुत फिर उसमें तो फिर बहुत समय लग जाएगा, इतना हमारे पास एक अलग से सेशन होगा तब होगा। ओके आपने आपका काम को एक अलग भाषा का चुनाव किया, उसके पीछे का कारण? क्या आपने अपने काम में एक डिफरेंट लैंग्वेज का चूज किया जो कि आपके ही आसपास की जिंदगी को दर्शाती है, उसके पीछे का कारण? मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना हाँ, चाह रहे हैं। कि आपने जो आपका आर्टवर्क्स बनाते हैं वो आपकी ही आसपास रोटेट करती है, इस बारे में हाँ अच्छा, आपका क्या कहना ऑटोबायोग्राफिकल है? या तकरीबन सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तो अक्सर काम के अंदर उसका एक प्रतिबिंब होता था,
उसका एक एलिमेंट आ जाएगा, वो कंधे पे बैठा है या नाक पे बैठा है या पास में है। तो बेसिकली मेरे काम काफी ऑटोबायोग्राफिकल रहे हैं। आसपास क्या होता है इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं, एंड इट इज ट्रू। और फॉर एग्जाम्पल कि टाइम के साथ, मैं पहले इतनी धार्मिक नहीं थी, टाइम के साथ आई हैव बिकम रिलीजियस, तो अभी रिलीजियस एलिमेंट्स बहुत ऐड होते जा रहे हैं। तो जो मेरी जिंदगी में आता जा रहा है वो मेरे कला में भी आता जा रहा है, तो इसमें मैं उसको सेपरेट नहीं करना चाहती। स्टूडेंट्स को एक सेकंड, स्टूडेंट्स को क्या ध्यान देना चाहिए जो उनके फील्ड में उनको सहयोग करे? स्टूडेंट्स को क्या ध्यान देना चाहिए? स्टूडेंट्स के मनों में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं ट्रैवल किया, मैंने लखनऊ गई, फिर मैं और भी एक दो जगह गई, तो मुझे लगा कि उनके मन में क्लैरिटी नहीं है। उनको लगता है कि रियलिस्टिक आर्ट ही आर्ट है, तो वो उसके आगे आ ही नहीं पाते बेचारे। तो मैं उनको यही कहूंगी कि आजकल के ज़माने में तो बहुत आसान हो गया है कि आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सर्वे कर सकते हैं। आप उनको क्या, उनको आर्टिस्टों के लाइफ के बारे में पढ़ना चाहिए, उनकी मूवीज देखनी चाहिए, उनके कला को समझना चाहिए, चाहे हर नहीं, जो वो पसंद करे। जैसे हम लोग जब स्टूडेंट थे तो ललित कला की लाइब्रेरी में बैठते थे, और उनके पास एक बहुत अच्छी कलेक्शन है, उस बुक्स को हम देखते रहते थे। आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं वो ये कर बुक ये करेंगे। चलो आप लाइब्रेरी भी नहीं, लेकिन आप नेट पे ही काफ़ी कुछ देख सकते हो। सो एग्जीबिशंस, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में रिसेंटली गई, तो उनको मैंने पूछा कि एक इम्पोर्टेंट शो चल रहा था ललित कला में, आपने देखा? जबकि वो 10 मिनट का वॉक है, None of them had gone. तो एक अंदर से जो एक आग है कि अच्छा काम देखने की, वो कई बार स्टूडेंट्स में नहीं होती है। तो वो मैं ये कहूंगी कि टीचर को उनको थोड़ा पुश करना चाहिए। उल्टा मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स जो दिल्ली के बाहर हैं, उनके अंदर काफी सारी एक इच्छुकता है कि वो जाने कला के बारे में। आदिवासी कला में बहुत सा इंस्टॉलेशन है, वो कई बरसों से चल रहा है, क्या उन्हें समकालीन माना जा सकता है? समकालीन इज कंटेम्प्री। आदिवासी कला में बहुत सा इंस्टॉलेशन दिखाई देता है जो बरसों से कर रहे नहीं, हैं हम। आदिवासी आदिवासी है। ये एक अच्छी बात है कि उनको भी आजकल बहुत सारा महत्व दिया जा रहा है, फोक आर्ट को, ट्राइबल आर्ट को काफी सहाया जा रहा है। काफी ऑर्गेनाइजेशंस शुरू हो गई हैं जो इसको प्रमोट कर रही हैं। वो उसको आप मिक्स नहीं कर सकते, मुझे लगता है। मतलब आप उसको फ्यूजन कर सकते हो। आप जैसे कई लोगों ने शुरू किया है कि ट्राइबल आर्टिस्ट को कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट से वर्कशॉप करा रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन लेकिन इट्स आदिवासी, एंड उसको उसकी अपनी प्योरिटी में ही रहने देना चाहिए। बट क्योंकि उसको प्रमोट किया जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। आपको सबसे अच्छा मीडियम क्या लगता है? ये तो एक माँ को आप पूछ रहे हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा है। तो मेरे लिए, मुझे तीनों मीडियम पसंद है। मुझे पेंटिंग, प्योर पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, मिक्स मीडिया सभी पसंद है। और अभी आजकल जो मेरा नया फंडा है वो है डिजिटल आर्ट, क्योंकि मैं किच करती हूँ, बहुत सारा किच करती हूँ, तो मैं डिजिटल आर्ट में भी ये किच काफी शुरू कर दिया है। और ये कम से कम मेरा 4-5 साल से चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये सबसे लेटेस्ट मेरा एक मीडियम है, तो इसलिए समय के बात है कि काफी, जैसे 2-3 साल मैंने मिक्स मीडिया किया, अभी मैं पेंटिंग कर रही हूँ। तो डिपेंड करता है कौन से फेज में आपको क्या पसंद आ रहा है। ओके,
इंटरनेट का इन्फ्लुएंस बहुत है आजकल, क्या स्टूडेंट के लिए वो बहुत सही है या उन्हें बुक्स पे अभी भी ध्यान देना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स बुक्स तो बुक्स है, मैं तो यही कहूंगी कि बुक्स पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हाँ, क्योंकि अब उनके पास टाइम नहीं है, ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लग जाता है, तो जितना भी हो सकता है उनको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, चाहे वो बुक से लें चाहे वो इंटरनेट से लें, दोनों में से कहीं से भी लें, बट उनको अपने आप को अवेयरनेस लानी ही चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है, आज के आसपास क्या हो रहा है और ग्लोबली क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यंग फीमेल आर्टिस्ट को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? फॉलो योर हार्ट, जस्ट फॉलो योर हार्ट, जस्ट जस्ट वर्क। हाँ, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर उनकी ऐसी जगह पे शादी हो गई जहाँ पे मैम, वी कांट हियर यू। हेलो, कंटिन्यू विद दैट। हेलो मैम, वी कांट हियर यू। हेलो, यस मैम, कैन कैन यू यू हियर प्लीज मी? रिपीट द आंसर प्लीज? वी कांट, या नाउ वी कैन, बट अभी वीडियो पॉज हो गया था वो। आई वाज जस्ट सेइंग दैट आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, सॉरी। देयर इज सम प्रॉब्लम मे बी। मैम जस्ट वेट फॉर सम सेकेंड्स, वी शुड वेट। ओके, हेलो, यस मैम, नाउ आई थिंक इट्स ओके, आई थिंक ओके, इट्स परफेक्ट। या ओके, या नाउ यू कैन से, यू वर सेइंग समथिंग नो, और आई यू वाज आर जस्ट सेइंग अगेंस्ट इट। दैट दे शुड जस्ट फॉलो देयर हार्ट, एंड इफ दे आर गुड एट इट दे शुड जस्ट कंटिन्यू। इफ एन आर्टिस्ट एन आर्टिस्ट दे विल नेवर स्टॉप। ऑफ कोर्स हर्डल्स आती हैं, लड़कों के लिए अलग हर्डल्स आती हैं, लड़कियों के लिए अलग आती हैं, लड़कियों के लिए उनके पेरेंट्स उनके लिए बोलेंगे कमा के लाओ, इट्स बोथ, सो दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने इट वाज अ अमूल्य प्लेजर, समय में से समय निकाल इट के वाज अ प्लेजर। फाउंडेशन व हमारे दर्शकों के लिए दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, माय गुड विशेस विद यू, कीप थैंक कंटिन्यूइंग यू सो मच, एंड आई एम ऑलवेज देयर विद यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय मैम, टेक केयर। बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। कल हमारे साथ शाम 5 बजे जीएम शेख सर होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है कल शाम 5 बजे। थैंक यू।